कल हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली, सोशल मीडिया में भी हो रहा है, भी हमारे पास क्वेरीज आई, कुछ फार्मर्स ने हमारे पास हमारे एनजीओ से संपर्क किया, हमारे को भी पूछा कि ये जो अटैक आ रहा है प्रोपोपोइन, जो कि एक नॉक्टर्नल एनिमल टाइप का है, रोडेंट टाइप का है, इसने अटैक किया हुआ है यहाँ पे आलमंड ट्रीज में, रहमू एरिया में, तो हमें ये पता चला, तो हमने अपने ऑफिसर्स को बुलाया, उनके साथ मीटिंग की और एक हमने मास एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया कि हम लोगों को एडवाइस करें कि उससे बचाव कैसे किया जाए। इसी सिलसिले में आज मैं खुद ही यहाँ पे रोमो एरिया में इस वक्त आया हुआ हूँ, तो असेसमेंट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या क्या डैमेजेस हैं, लोगों को खुद मैं बता सकूँ कि इसके लिए आप क्या कह रहे हैं। और मेरे जहाँ तक कहने की बात है, तो इसमें लोगों का बहुत बड़ा अप्रोच रहेगा, लोगों का बहुत बड़ी सहायता चाहिए हमें, क्योंकि ये रात के समय जो ये आता है, जो प्रोपोगेशन है, रात को आता है, रात को अटैक करता है, बारह खाता है और फिर चला जाता है वापस। इस पर एक लेयर आता है अंदर से। तो मैं चाहूंगा कि अगर हमने वाइल्ड लाइफ वालों से भी बात की है, वो भी कुछ ट्रैप वगैरह इसमें इंस्टॉल करेंगे, कुछ हमारे रेपेलेंट आते हैं, पेपर स्प्रे आती है, नई ही एक रिकमेंडेशन है, उसमें मैं लोगों को आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, अगर पेपर स्प्रे आपको मिलते हैं, स्प्रे कीजिए जहाँ पर आपको लगता है इसका अटैक हो रहा है, पेपर स्प्रे कीजिए, तो उससे वो रेपेलेंट का काम करेगा और भाग जाएगा। दो साल की या फिर फॉरेस्ट वालों से मिलके, वाइल्ड लाइफ से मिलके आप ट्रैप लगा लीजिए, तो ट्रैप से आप इनको पकड़ पाएंगे और इनको आप आगे अपने क्रॉप का बचाव कर सकेंगे।